पलामू के हुसैनाबाद में गर्मी फुल, ऊपर से रात में बिजली गुल, वोट बेचने वाले को अच्छा मिल रहा है मूल। बड़ी खबर सासाराम से। जिला कृषि कार्यालय में फैली कुव्यवस्था पर डीएम सख्त, कई वरीय अधिकारियों के वेतन निकासी पर लगाई रोक। औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कर्मियों से मांगा स्पष्टीकरण। हाजिर में शेख मुजाहिदुद्दीन के माध्यम से। जिला मुख्यालय सासाराम में अचानक जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने गुरुवार को जिला कृषि कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश जारी किए। जिला कृषि कार्यालय में मिट्टी प्रयोगशाला की जांच के क्रम में डीएम ने पाया कि 2 जून से 4 जून तक चलने वाले मिट्टी जांच प्रयोगशाला के साथ प्रतिनियुक्त सहायक अनुसंधान पदाधिकारी अपराह्न 1 बजे तक अनुपस्थित रहे, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने कृषि विभाग के सचिव को इस आशय से अवगत कराने की बात कही। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जिला कृषि कार्यालय में अनुपस्थित लेपिक अभय कुमार, परिचारी राजू कुमार गुप्ता एवं निलंबित लेपिक अब्जुर कलाम से स्पष्ट करने को कहा एवं जीवन निर्वाह भत्ता के निकासी पर रोक लगा दी। साथ ही नए उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज दुकानों के लाइसेंस हेतु आमजनों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में भी कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत कुमार एवं कार्यपालक सहायक राजन कुमार से कारण परीक्षा करते हुए उनके वेतन निकासी पर रोक लगाई है। इसके अलावा डीएम ने जिला कृषि कार्यालय परिसर में फैली गंदगी, कुव्यवस्था एवं कार्यालय संस्कृति के अभाव पर गहरी नाराजगी जाहिर की। चाहे वो आपके डीओ साहब हो, चाहे फिर एग्रीकल्चर के और भी डॉक्टर, सबका बेहतर रूप है साफ सफाई के लिए। एक आध दो स्टाफ जो है एब्सेंट है, उसके ऊपर जो है अपना जो है जो भी मीटिंग का जो भी एक्शन होता है वो होगा। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 4 दिनों के अंदर कार्यालय में पाई गई सभी त्रुटियों का निराकरण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। बने रहिए आरबीसी चैनल पर, संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट के साथ हम कराते रहेंगे आपको हर बेहतर खबरों के लिए। आरबीसी सब्सक्राइब करना ना भूलें।